मॉब लिंचिंग के विरोध में जुलूस निकाल रहे सैकड़ों लोगों पर मेरठ पुलिस का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने लोगों पर जमकर लाठियां भांजी, इस दौरान कई लोग घायल हो गए। लाठीचार्ज के चलते मौके पर भगदड़ भी मच गया। दरअसल देश के मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं के विरोध में युवा सेवा समिति व अल्पसंख्यक समुदाय के सैकड़ों लोग फैजे आम इंटर कॉलेज से हापुड़ तक जुलूस निकाल रहे थे। बताया जाता है कि इस जुलूस की परमिशन प्रशासन ने नहीं दी थी, बावजूद इसके जुलूस निकाला गया। पुलिस ने बुढ़ाना गेट के पास जुलूस को रोकने का प्रयास किया, जिससे वहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों में कहासुनी हो गई। इसके बाद पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई लोग घायल हो गए, कई वाहनों में तोड़फोड़ भी हुई। मौके पर एसएसपी एसपी सिटी दल बल के साथ पहुंच गए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। देखिए, बिना परमिशन की एक रैली एक जगह पर की गई थी, पुलिस ने नोटिस भी इशू किया था, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए। पुलिस इसको संज्ञान लेके इसमें कार्रवाई करेगी। जो लोगों ने किया है उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगी। पब्लिक को जो इनकन्वीनियंस कॉज हुआ है पुलिस उसका भी संज्ञान ले रही है, उसमें भी कार्रवाई करेगी। सर, जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किया गया है, जिस तरीके का जुलूस आ गया बिना परमिशन के, देखिए जो भी चीज़ हुई है उसका संज्ञान लिया जा रहा है। अभी इस तरह की बात तो संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन अगर वो भी रहेगी तो उसको भी देखा जाएगा।